Hello everyone, this is Dr. Sam और आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही important topic और topic है control of breathing. देखो breathing कहाँ से control होती है? ये तो हमें पता है कि हम inspiration करते हैं, expiration मतलब inhalation exhalation करते हैं, लेकिन control कहाँ से हो रहा है? और क्या ये हमारे बस में है या नहीं है? तो सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये book में बहुत ही इसके अगर form मैंने कर, शायद आपको समझना है, लेकिन इस video देखने के बाद आप लोगों को guarantee के साथ समझ में आएगा. तो गौर से देखिए, इन्वॉल्वेंट्री कंट्रोल जो है मोस्टली ये प्रोसेस इन्वॉल्वेंट्री है, हमें पता नहीं होता, मतलब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें वॉलंट्री मतलब इसको अपने बस के मुताबिक करना पड़े तो भी हम कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? जब कोई सिंगल गाना गा रहा होता है, या फिर स्नीजिंग, या फिर एक खास सिचुएशन में जहां पर हमें वॉलंट्री कंट्रोल की जरूरत हो तो हम इसको वॉलंट्री भी कंट्रोल कर सकते हैं. बाकी जो है 98% आप कह सकते हैं कि ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है. अच्छा, ये तो हमें पता चल गया. अब हम ये बताना चाहते हैं अगर ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है तो ये कहां से कंट्रोल हो रहा है? कहीं ना कहीं तो एक सेंटर होगा बॉडी में जहां से ये कंट्रोल हो रहा है. तो गौर करें, सेंटर ऑफ कंट्रोल जो इसका है वो है ब्रीथिंग सेंटर. सिंपली बहुत ईजी है, ये ब्रीथिंग सेंटर से कंट्रोल हो रहा है. और ये ब्रीथिंग सेंटर कहां पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है मेडुला ओब्लॉन्गेटा में. कहां पड़ा हुआ है? मेडुला में. मेडुला ओब्लॉन्गेटा में पड़ा हुआ है. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल हो रहा है ब्रीथिंग सेंटर से, जो कि पड़ा हुआ है मेडुला ओब्लॉन्गेटा में. अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मेडुला ओब्लॉन्गेटा कहां पर है. देखिए गौर करें, हम नीचे से जा रहे हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के बाद हमारे साथ आ रहा है मेडुला ओब्लॉन्गेटा, और फिर आगे जाके ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर या फिर ब्रेन. तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सही है? तो ये पार्ट जो है, जो मैंने रेड डायग्राम किया हुआ है, ये है मेडुला ओब्लॉन्गेटा स्पाइनल कॉर्ड. आगे जाके मेडुला में आ रहा है. तो मेडुला में ये जो मेडुला है, यहाँ पर एक सेंटर पड़ा हुआ है. इसका एक सेंटर है और उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग सेंटर. वहां से कंट्रोल होता है. तो बहुत इजी है, लेकिन अब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे. डिटेल कैसे पढ़ेंगे? कि ये जो इनवॉलंटरी कंट्रोल है, सही है, उसमें दो फेजेस हैं. देखो, हम जब सोचते भी नहीं है तो भी दो फेजेस होते हैं. एक इंस्पायरेशन होता है, एक एक्सपायरेशन होता है. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है. अच्छा, अब इस ब्रीथिंग सेंटर में इंस्पायरेशन इनहेलेशन के लिए और एक्सहेलेशन के लिए अलग अलग सेंटर है. देखो, ये एक सेंटर पड़ा हुआ है मेडुला ओब्लॉन्गेटा में, जिसको हम ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं. इसमें इंस्पायरेशन के लिए और एक्सपायरेशन के लिए अलग अलग जगह है. इसको हम जूम कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कहां से इंस्पायरेशन और कहां से एक्सपायरेशन कंट्रोल होता है. तो देखो, मैं इसको जूम कर रहा हूं. देखो, यहां से मैंने इसको जूम किया, इसको मैंने जूम किया और इतना बड़ा एक वो बन गया ये ब्रीथिंग सेंटर. ये ब्रीथिंग सेंटर जो मैंने जूम किया हुआ है, कहां पड़ा था? मेडुला में. अब गौर करें, देखो इसके दो पोर्शन है. ब्रीथिंग सेंटर की कितने पोर्शन है? दो. एक आगे वाला है, आगे की तरफ. देखो, मैं इस तरह करा ना, आगे की तरफ, और एक है पीछे की तरफ और साइड्स पर, सही है? एक होता है आगे, एक होता है साइड्स, और एक होता है पीछे की तरफ. तो इसके ये पोर्शन है, ये तो आगे वाला हो गया, सही है, जो फ्रंट में है, सही है, और एक पीछे की तरफ, बैक की तरफ. फ्रंट हो गया एक और एक बैक. ये तो बहुत इजी है कि जो सेंटर है उसका ब्रीथिंग सेंटर है, उसका एक फ्रंट है, एक बैक है. तो इसकी साइड्स भी तो होंगे ना, तो साइड्स भी इसके है. मतलब मैं आप कह सकता हूं कि इस तरह साइड्स भी है, सही है? तो अब मैं देखूंगा इसमें, इस ब्रीथिंग सेंटर में मैं देखूंगा कि आगे वाला कौन सा कंट्रोल कर रहा है, पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या कंट्रोल कर रहा है. तो गौर से देखो, हम उसमें मेडिकल में फ्रंट वाले एरिया को उसको हम विंटर पोर्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? विंटर पोर्शन. मतलब एक चीज मेरे आगे पड़ा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि ये विंटर ही पड़ा हुआ है. देखो, जो मेरी वो है, ये रेड मार्कर है. देखो, ये रेड मार्कर जो होता है ये इसके विंटर साइड पर पड़ा हुआ है, जबकि ये वाला मार्कर इस मेरे इस हाथ में जो है ये कलर वाला, ये इसके डोर्सल में पड़ा हुआ है. डोर्सल में पड़ा हुआ है, तो डोर्सल मतलब जो भी डोर्सल, बस आप याद रखिए, सही है? पीछे की तरफ जो होगा वो डोर्सल होगा, आगे की तरफ जो होगा वो विंटर होगा, सही है? और जो साइड्स पर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेटरल कहते हैं. देखो, ये मेरे हाथ जो है ये मेरे लेटरल है, ये मेरे
आगे की तरफ जो है ये मेरे विंटर में है, जो मेरे पीछे की तरफ है वो क्या है, डॉर्सल है। तो ये बातें इसके लिए अलग अलग अल्फाज है, ये अल्फाज आप लोगों को याद रखने आगे भी काम आएंगे। देखो गौर से, आगे की तरफ विंटर, आगे की तरफ विंटर। देखो अब इस ब्रीथिंग सेंटर में, देखो ब्रीथिंग सेंटर में जो आगे की तरफ है ये विंटर पोर्शन हो गया, ये जो पीछे की तरफ है ये ब्लैक कपड़ा, इसको डॉर्सल, और जो लेटरली पड़ी हुई है मतलब साइड्स पर पड़ी हुई है, इस साइड्स पर ये लेटर है। अब मैं देखना चाहूंगा इंस्पायरेशन कहां से कंट्रोल होता है, इंस्पायरेशन मतलब इनहेलेशन, जो मैं सांस ले रहा हूं अंदर की तरफ वो विंटर पार्ट से, किस पार्ट से, विंटर। और विंटर के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा वाला है, फ्रंट वाला। तो ये जो जिस इस मार्कर से जो बनी है ये वाला फ्रंट वाला, ये किस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ये इंस्पायरेशन को, इनहेलेशन को। जब मैं अंदर की तरफ सांस ले रहा हूं तो ये विंटर पोर्शन से कंट्रोल हो रहा है, और इस आगे वाले पोर्शन को, ब्रीथिंग सेंटर के आगे वाले पोर्शन को मैं दूसरा नाम ये भी दे सकता हूं कि ये इंस्पायरेटरी सेंटर है, क्योंकि इंस्पायरेशन कर रहा है। तो ये जो था ब्रीथिंग सेंटर जो था उसमें एक है इंस्पायरेटरी सेंटर, और कौन सा वाला, जो वेंट्रली पड़ा हुआ है फ्रंट में, दूसरा है एक्सपायरेशन, कौन सी कंट्रोल होता है। तो दो रीजन रह गए, एक तो पीछे वाला रह गया, एक साइड वाला रह गया। तो डॉर्सल मैंने बता दिया ना पीछे वाला, सही है। तो ये पीछे वाला वेंट का जो है ये है डॉर्सल ही, और इस तरह लेटर में भी पड़े हुए है, सही है। तो जो डॉर्सल और लेटर है ये एक्सपायरेशन को कंट्रोल कर देता है, और इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर। ये एमसीक्यू पॉइंट अपने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाला है इंस्पायरेटरी, जो पीछे और साइड वाला है एक्सपायरेटरी। तो ये सेंटर आपने याद रखनी है, और ये कहा, ये सेंटर कहां पड़ा हुआ है, मेडुला में। इस सेंटर को क्या कहते हैं, ब्रीथिंग सेंटर। ब्रीथिंग सेंटर में कितनी पोर्शन है, दो, सही है। तो मतलब एक है इंस्पायरेटरी सेंटर, एक है एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी वाला कौन सा है, आगे, और ये पीछे वाला। तो होगा मैंने बहुत रिपीट किया, शायद मैंने बहुत ज्यादा रिपीट किया, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए अच्छा। तो ये सब हमने कल हमने पढ़ा था इनवॉलेंट्री कंट्रोल के बारे में, कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल के सेंटर्स कहां पर है, किस तरह कंट्रोल होता है। आज हम पढ़ेंगे वॉलेंट्री कंट्रोल, जो कि बहुत पीछे की तरफ लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ रिलेटेड है। देखिए वॉलेंट्री कंट्रोल कहां से होता है, गौर से देखिए, हमारा जो असल वो है एरिया है, मतलब सोचने की, अगर एक बंदा कहता है कि यार मैंने बहुत उतनी ऊंची सुर में गाना है, या फिर कुछ मतलब सांस बंद कर रहे हैं, तो वह क्या करता है, वॉलंटरी है। जब हम सांस बंद करते हैं तो सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। देखो ये ब्रेन है, ये इसका क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये ब्रेन का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से सिग्नल्स ओरिजिनेट होता है। अब इस बंदे ने सोच लिया यार मैंने सांस बंद कर, मैंने ऊंची आवाज में गाना है, सही है, या फिर मैंने सांस मतलब वो करना कंट्रोल में लेना है, तो ये क्या करता है, यहां से जब इसने सोच लिया तो यहां से सिग्नल ओरिजिनेट हो गए, और आगे कहां तक, यहां ब्रीथिंग सेंटर तक। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, वॉलंटरी में क्या इन्वॉल्व है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी का कंट्रोल क्या, कहां से, यहां से सोचता है तो यहां से सिग्नल आते हैं, कहां तक, ब्रीथिंग सेंटर तक, और ब्रीथिंग सेंटर जो है वो इसके कंट्रोल में आ जाता है, सही है। तो ये है वॉलंटरी कंट्रोल, ये जो ड्यूरिंग स्नीजिंग, ड्यूरिंग सिंगिंग, तो मतलब डिफरेंट सिचुएशन में, स्पेशल कंडीशन में ये होता है वॉलंटरी कंट्रोल। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहां से फिर आगे ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो खुद भी कंट्रोल कर देता है, क्योंकि यहां से सिग्नल आए हुए हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि ये जो ब्रीथिंग सेंटर है हमारे पास, ब्रीथिंग सेंटर ये किस तरह एक्चुअली यहां ब्रीथिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो और क्या आप लोगों को अच्छी तरह पता है, आप लोगों को बहुत वो है आलम की यहां पर क्या पड़े हुए है, नीचे की बात में कर रहा हूं, रिब्स पड़े हुए है, सही है। और रिब्स जो है इनके दरमियान एक मसल है, और उस मसल को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस मसल को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, मतलब इंटरकोस्टल मसल, इंटर मतलब दो दो रिब्स के दरमियान, इस तरह। तो आप याद रख सकते हैं, सही है, इस मसल को क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल, सही है, इंटरकोस्टल मसल।
दूसरा एक और भी मसल है, वो मसल कौन सा है मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछले लेक्चर में। यहाँ पर एक वो होता है डायफ्राम, क्या होता है डायफ्राम। अब ये ब्रीदिंग सेंटर इन दो मसल्स की कंट्रोल कर देता है, सही है। तो कैसे, गौर से देखें, इस ब्रीदिंग सेंटर से इन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई हो गई है, सही है। और इस नर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व। मतलब यहां से इस तरह सप्लाई आई हुई है इन इंटरकोस्टल मसल्स को, सही है। और उस मसल नर्व को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल नर्व कहते हैं। मसल के नाम से ही रिलेटेड है, बहुत इजी है। लेकिन आप लोगों ने जो चीज याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो ये है कि डायफ्राम को किस नर्व ने कंट्रोल किया है, डायफ्राम को कंट्रोल किया हुआ है प्रीनिंग नर्व ने। किस नर्व ने, प्रीनिंग नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीनिंग नर्व जो है वो डायफ्राम के साथ रिलेटेड है, और जो इंटरकोस्टल नर्व है तो इसी इंटरकोस्टल मसल्स के साथ रिलेटेड है। तो ये इन मसल में या तो कॉन्ट्रेक्शन कर देता है और या रिलैक्सेशन, और उसके रिजल्ट में हम फिर क्या कर सकते हैं, हम फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, क्योंकि हमारे अगले टॉपिक